आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मटर। ये देख सकते हैं आप मशरूम, ये कुछ 200 ग्राम का पैकेट था। इसको हमने रनिंग वाटर में अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हमने इसे गर्म पानी में नमक डाल के फिर से धोया है। इसी तरह आपको भी करना है। और इसके लिए हमने लिए हैं ये मशरूम, जिसे हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। ये मटर दाने, ये प्याज, 2 मीडियम प्याज ली थी जिसको चॉप कर लिया है, 2 मीडियम ग्रीन पी ली थी, हरी मिर्च इसको भी चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम टमाटर लिए थे उसको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। गैस हमने ऑन कर दी है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमने 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। जब तक तेल गर्म होता है तब हम इसमें मशरूम डालेंगे। सबसे पहले हमें मशरूम को फ्राई करना है, हल्का फ्राई करना है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मशरूम डालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे मशरूम हल्की फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल के शिफ्ट कर लेंगे दूसरी प्लेट में। हमने मशरूम निकाल के इस तेल में जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें ये मटर दाने डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे मटर दाने बन गए हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और हरी मिर्च के साथ ही अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। और जब तक थोड़ा प्याज ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे हिलाना है। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टोमेटो ऐड कर रहे हैं। इसे भी अच्छे से हिला लीजिए। हमारे मसाले भून कर तैयार हैं। अब हम इसमें नमक डालते हैं टेस्ट अनुसार। गरम मसाला 1 चम्मच, 1.5 चम्मच डाल दीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर भी 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से हिला लीजिए। अब थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से थोड़ा प्रेस कीजिए। दो मिनट तक इसे भूनने दीजिए। अगर आप थोड़ा पानी रखना चाहते हैं तो आप अभी पानी डाल दीजिए, अदरवाइज अगर आप सूखा खाना चाहते हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे मसाले भून चुके हैं और अब हम इसमें ये फ्राइड मशरूम डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। अब आप इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है देखिए। तो हम गैस ऑफ कर रहे हैं। तो आप इसे अपनी रोटी के साथ सर्व कीजिए या चावल के साथ, जैसा आप चाहें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।